ठीक है, हाँ अब बताइए ये सवाल ठीक है आपके पास, बोलिए असली नकली। देखो असली और नकली का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि एक ही शिवसेना थी उद्धव की पार्टी, तो देखिए जो हमारे साथ हुआ है वो गलत हुआ, हम हमसे हमारा चिन्ह चोरी करके लेके गए, हमारे विधायक चोरी करके लेके, अदालत में भी तो गए थे आप, अदालत अदालत में गए थे ना, अभी सीट हमारा ही ज्यादा चुन रहा है। हाँ बताइए असली नकली का चल रहा है, देखिए वो कह रहे हैं कि बाला साहब का परिवार जहाँ वही असली, बाला साहब के विचार जहाँ वो असली शिवसेना, और आज कह रहे परिवार नहीं विचार, विचार परिवार मानते नहीं है, परिवार परिवार प्रॉपर्टी परिवार को मिलती है, विचार जो है वो विचार जो अमल में लाता है वही आता है। ये देश में सीधी सीधी जो लड़ाई है वो नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी है, ये देश चुनने वाला है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे या राहुल गांधी, इसमें बाकी किसी का कोई काम नहीं है। और रहा सवाल असली, हाँ। तो ये परिवारवाद की जो राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो लालू प्रसाद हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, ये परिवारवाद को कभी ये देश स्वीकार नहीं करेगा, और मोदी भारत को अपना परिवार मानते हैं। चलिए तो इन्होंने जो मुद्दा उठाया, सवाल तो सुन लीजिए, अरे तुम्हारे ही नेता की बात कर रहा हूँ, रुक जाओ, इन्होंने कहा कि देश में बात हो रही है नरेंद्र मोदी के चेहरे की, और इस बार जो बड़ा मुद्दा है वो यही है कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव है तो निश्चित तौर पर देश का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों से यही सवाल करने जा रहा हूँ कि अगला प्रधानमंत्री कौन, अगला प्रधानमंत्री कौन, जो चुन के आएगा वही, कौन जो अच्छा काम करे वही। अरे तो कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कहाँ कर रहा है, आएगा वही जो देश जिनको बहुमत देंगे वही अगला प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है आपके जेब में, जो कोई भी हो सकता है, हर एक का अधिकार है, कोई भी हो सकता है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी, रुकिए मैं लौटता हूँ, मोदी जी, हाँ अगला मोदी जी, अगला प्रधान नरेंद्र मोदी, मोदी जी, 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 अगला नाम बताइए, राहुल गांधी, राहुल सवाल गलत है। हम जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ते, हम लोग की जो डेमोक्रेसी है वो अलग है। हमारे मशीन के ऊपर यूएस के तरह जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट रहता है उसका सिंबल नहीं रहता। आपका सवाल ही गलत है, हम लोग कौन चुनते हैं, जनता की पसंद तो होती है, हम लोग चुनते हैं, हमारा पीएम मातोश्री था रहता है, मातोश्री उद्धव साहब ठाकरे, किसी को देखना चाहते हैं आप, मोदी और अमित शाह चोर है, उद्धव साहब सच्चे है, अगला प्रधानमंत्री जुमलेबाज ना रहेगा, हाँ। अगला प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम की झगड़ा लगाने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब आप वापस आते हैं, देखिए सबने की बात आपने सुनी, अगले प्रधानमंत्री को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो चुनेंगे सांसद वही होगा, आप लोग कह रहे मोदी। देखिए सीधी सीधी बात है, आप पूरे भारतवर्ष घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में अगर एनडीए को छोड़ के किसी ने भी उम्मीदवार नहीं दिया है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार सिर्फ हमने दिया है मोदी है, चेहरे से फर्क पड़ता है, बाकी लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब की बात मोदी केवल भारत केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं कि पूरे देश के नेता और पूरे देश का चेहरा है, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और ये जैसे बताया जाए कि राहुल गांधी और मोदी जी के बीच का